नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डायरी एंड फार्मिंग टेक्निक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज थोड़ा मछली पकड़ा जाए, इसीलिए मैं ये केचवा निकाल रहा हूँ। देख सकते हो आप, जहाँ से ज़रा नमी रहता है ना, उधर केचवा रहता है। पुराने ज़माने में क्या करते हैं लोग, इसी से मछलियाँ पकड़ते। चलो आज हम भी ज़रा कोशिश कर ले। इधर तो मैंने पूरा खुदाई कर ली, मगर ये काला केचुआ मिल रहा है। काला केचुआ क्या होता है, ये अच्छे से मछली पकड़ता नहीं है उसमें, इसीलिए मुझे बड़ा वाला वो और एक रहता है ना वाइट कलर का, मैं आपको मिल जाएगा तो आपको मैं भी बता दूंगी। इधर मैंने बहुत खुदाई करके देख लिया, मगर इधर मिल नहीं रहा है। चलिए दूसरे जगह पर ट्राई करते हैं। देखिए मैंने अभी खुदाई किया है, खुदाई करने पर मुझे एक बड़ा वाला केचुआ मिला है। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप कितना बड़ा वाला केचुआ। इसी उमदा केचुओं से हम अपने मछलियों को पकड़ सकते हैं। मैं इसी इसी के तलाश में उधर खुदाई कर रहा था, मेरे मगर मैंने दादी से अपना सलाह लिया, तो उसने मेरी दादी ने बोला कि उधर नहीं, जहाँ पे नमी रहता है, छाव जहाँ पे रहता है, वहाँ आपको ये देख सकता है बड़ा वाला केचुआ आप मिल सकता है। अगर ये इस केचुओं से मछली अच्छा मछली, बड़ा वाला मछली फंस सकता है, इसीलिए मैंने अपनी दादी की बात सुन के वहाँ खुदाई किया, तो मुझे ये बड़ा वाला केचुआ मिल गया। चलिए अब फिशिंग के लिए हम रेडी है, देख लेते हैं अभी। चलिए